चिन माउंट गिफ्ट किया है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अच्छा आता है इससे, इस वाले चिन माउंट से। माशाल्लाह इतनी मजे की बिरयानी पकी हुई है। मोटरसाइकिल की राइड तो बनती ही है वैसे। रात का वक्त है और अभी मुझे खुद नहीं पता कि इसका व्यू किस तरह का आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फतह, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों से मैं इस तरह के व्लॉग वगैरह नहीं अपलोड कर रहा था। उसकी वजह यह है कि मैं सोच रहा था कि कोई थोड़ी सी फ़नी शॉर्ट वीडियोस वगैरह बना के अपने चैनल पे अपलोड करूं। और फनी शॉर्ट वीडियोस बनाने की वजह यह थी कि जिस तरह के टेंस हालात हमारे पूरे मुल्क में चल रहे हैं, मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी आती है तो मुझे इससे वाकई ही में एक दिली खुशी और इत्मीनान मिलेगा। एक ज़रूरी बात कि जब मैं ट्रैवल वीडियोज़ अपनी शूट कर रहा था तो उसमें मैं इस तरह का ये हैंडी ट्राईपॉड यूज़ कर रहा था। इसको मैं जो है ऐसे घुमा के बिल्कुल इसको हैंडल के साथ माउंट करके, तो इसके ऊपर गोप्रो फिट करके, तो मैं वीडियो वगैरह शूट कर रहा था। उन दिनों ट्रैवल वीडियोस वगैरह शूट करने से पहले मैं एक माउंट ढूंढ रहा था जो कि हेलमेट के इधर लगता है, जिसको चिन माउंट कहते हैं। वो मुझे पूरी मार्केट में कहीं से भी मिल रहा था। मैंने लाहौर में काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स जो हैं वो फिर छोड़ी थी, पर मुझे किसी जगह से भी मिल रहा था। ऑनलाइन कोई ऐसा ऑथेंटिक सेलर नहीं था जिससे मैं मंगवा सकता, क्योंकि लोगों के रिव्यू वगैरह मैं देख रहा था, जिसको भी वो रिसीव हुआ या तो कहीं से टूटा होता था या इस तरह का उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता था, इसलिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाह रहा था। पर अभी कुछ दिन पहले मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं उमर साहब, उन्होंने मुझे जो है ये चिन माउंट गिफ्ट किया है। और ये उन्होंने आई थिंक सो अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। अली एक्सप्रेस से जो चीज़ आती है वो एक तो ऑथेंटिक सेलर होते हैं और वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आपको रिसीव होती है, जिस तरह की उन्होंने पिक्चर में दिखाई होती है उसी तरह की चीज़ आपको जो है वो आपके हाथ में रिसीव होती है घर पे। तो ये उमर साहब ने जो है मुझे गिफ्ट किया है, मैं उनका दिली मशकूर हूँ। एंड दिस इज़ रियली अ प्रेशियस गिफ्ट फॉर मी, क्योंकि मैं इसको बहुत अरसे से ढूंढ रहा था और ट्रैवल वीडियोस के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने जाने वाला है मेरा। तो जनाब ये मेरा हेलमेट पड़ा है और इसको मैं अभी अनपैक करके तो इस हेलमेट के ऊपर माउंट करना सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इस हेलमेट के ऊपर इस चिन माउंट को आगे लगा सकते हैं ईजीली। तो ये है चिन माउंट, इसको मैं अनपैक करता हूँ तो मुझे निकाल के ये देखते हैं, ये इस तरह का दिखता है चिन माउंट। अब मैं इसको इसके साथ माउंट करने का तरीका दिखाता हूँ। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और आपने ये देख लेना कि इसकी जो टू वाली साइड्स हैं ये इसके ऊपर होनी चाहिए और इसकी जो सिंगल वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ये गोप्रो का जो माउंट है वो इस तरह आएगा सामने। और इसको आपने यहाँ पे इस बकल के साथ, इसको आपने इसे लूज़ करके तो इसकी एक टाई को इस बकल के साथ टाइप कर देना, तो जितना हो सके आपने उतना टाइट कर देना है और ऐसे करके, और बाद में इसको आपने ऐसे इसके साथ पिन कर देना। ये एक साइड होगी और ये इसकी दूसरी साइड, दूसरी साइड को भी सेम उसी तरीके से जैसे उसको लगाया, ऐसे इसको इसमें से गुजार के इसको इधर से खींच लेना है, ऐसे ये फुल टाइट कर लेना है इसको इसमें, इस तरीके से जो है ये इस पर टाई अप हो जाएगा। और इसकी जो नीचे ये तनियाँ आ रही हैं इसको आप बेशक इसमें साइड पे आप ऐसे पीछे हैंग कर सकते हैं, ये आपके फेस पे बिल्कुल नहीं आएंगी कि आपको जो है तंगी दें। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इस तरह का माउंट इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि ये आपको बेस्ट POV प्रोवाइड करता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अच्छा आता है इससे, इस वाले चिन माउंट से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आप GoPro जो है किस तरह माउंट कर सकते हैं। तो GoPro जो है उसका इस तरह का आपके पास पहले एक फ्रेम होना चाहिए, मतलब कि इस तरह का इसका एक केस होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। केस के साथ जो है वो इस तरह का स्क्रू होगा साथ, इस स्क्रू को जो है आप पहले GoPro को इसमें सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम इसको लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो चिन माउंट का केस है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइट सा होता है, इसलिए जो है इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा फर्स्ट टाइम में। इस तरह इसको लगा के इसके साथ, और इसका जो है स्क्रू यहाँ से आपने इसको पहले लेवल चेक कर लेना है और इसके अंदर इस तरह करके इसका स्क्रू लगा देना है और इसको फुल टाइट कर देना है जहाँ पर आपको जिस तरह का उसका एंगल चाहिए होगा। इस तरह से करके जो है इसके ऊपर लग जाएगा बिल्कुल, और एक बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है इस चिन माउंट से। तो भाई ये GoPro का चिन माउंट लगाने के बाद एक छोटी सी मोटरसाइकिल की राइड तो बनती ही है वैसे। माशाल्लाह इतनी मज़े की बिरयानी पकी हुई है और यहाँ पे सबसे पहले भाई खाना खाना बनता है, और वैसे भी पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा। तो जी ये इस GoPro के चिन माउंट का POV है, अभी मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। Thank you.
एक छोटी सी राइड करके आएंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। रात का वक्त है और अभी मुझे खुद नहीं पता कि इसका व्यू किस तरह का आएगा। सुकून से गली की तरफ आया हूँ मैं कि इसको सही तरह ऑब्जर्व कर सकूँ कि इसका किस तरह का व्यू भी बनता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे है, ये एंगल जो है इसका सही। वैसे गोप्रो इतना वजनी नहीं होता, पर फिर भी अभी गोप्रो के वजन से थोड़ा सा हेलमेट आगे को झुका हुआ है, या तो मेरा हेलमेट बहुत हल्का है शायद। ये भी तो फर्स्ट टाइम में देखेंगे कि किस तरह का व्यू आता है, उसके बाद फिर जो है प्रॉपर राइड करेंगे। वापस घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। इसमें एक चीज़ का मज़ा है कि मैं जिस तरफ फेस करता हूँ उस तरफ जो है वो जो व्यू आता है ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ है, उस देसी जुगाड़ से तो जान छूटी है जो कि मैं ट्राईपॉड लगाता था आगे, बड़ी मुश्किल मुझे जो है उसको सेट करना पड़ता था, फिर उसके ऊपर जो है गोप्रो लगा के तो फिर मुझे जाना पड़ता था आगे, बहुत मुश्किल मैंने जाता था। और अभी जो है ये चेक करके देखेंगे हम पोस्ट प्रोडक्शन में। यार आई मस्ट से कि दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग एंड इम्प्रेसिव फुटेज, और जो ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है चिन माउंट का वो बेहतरीन है। गोप्रो के लिए जो चिन माउंट की प्लेसमेंट है ये सबसे बेहतरीन मानी जाती है, और इसका जो व्यू एंगल आता है वो बहुत ही फैंटास्टिक आता है। जिस तरह इंसान चाह रहा होता है उसी तरह सेम उसको जो है वो फुटेज मिलता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मुझे चीज़ ये लगती है कि जैसे इंसान इस तरफ फेस करते हैं इस तरफ फेस करता है, वीडियो फुटेज भी जो है वो इसी तरह नज़र आती है कि वो आपके चिन माउंट मतलब के हेलमेट के साथ लगा हुआ है और इस तरह साइड में मूव होता है। सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि आप में से जो भी GoPro वगैरह यूज़ करता है वो ये चीज़ समझता होगा कि GoPro के साथ जो है वो एक्सटर्नल माइक नहीं लगता, उसके लिए आपको मीडिया मॉड खरीदना पड़ता है, उसके साथ एक्सटर्नल माइक अटैच होता है। तो GoPro का जो मीडिया मॉड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके साथ अगर एक्सटर्नल माइक लगाएं आप तो काफ़ी क्रिस्प सी साउंड आती है एक्सटर्नल माइक के साथ। और भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो हेलमेट का वाइजर ओपन करके फ्रंट तो उसमें अगर आपको बात वगैरह करते हैं तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिकॉर्डिंग आती है ये चिन माउंट के साथ जब GoPro अटैच होता है और उसके साथ आप कुछ बोलें तो अभी जितनी भी वीडियो के अंदर आवाज़ें हैं वो उसी तरह रिकॉर्ड हो रही हैं, किसी एक्सटर्नल माइक के साथ रिकॉर्ड नहीं हो रही, GoPro का इंटरनल माइक ही उन साउंड्स को रिकॉर्ड कर रहा है। तो जैसे कि मैं पहले उस ट्राईपॉड के साथ एक जुगाड़ लगा के बेसिकली उसे माउंट करता था और यूज़ करता था तो उसमें जो है इस तरह की आवाज़ें नहीं आती थी, पर ये क्योंकि आपके फेस के बिल्कुल करीब होता है तो आप जब कुछ बोलते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी रिकॉर्डिंग करता है इसमें। उमर साहब आपने एक बड़ा वाकई ही मेरे लिए एक ये प्रीशियस गिफ्ट है जो कि आपने मुझे दिया है। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाया करेगी। तो आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।